जी तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी मैं क्रूज़ पे हूँ। ये सिलिया लाइन क्रूज़ है, स्वीडन से नॉर्वे, स्वीडन से फिनलैंड के लिए। तो ये जनाब मेरा कैबिन है, इसमें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मुझे कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि जनाब क्रूज़ में कैबिन्स कैसे होते हैं और कास्ट कितनी करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। ये मेरा बोर्डिंग पास है क्रूज़ के लिए, ठीक है, और यही मेरा की है रूम के लिए, मतलब इस कैबिन के लिए। इवन किस पे वाईफाई भी इंक्लूड है, आप देख रहे होंगे मेरे वाईफाई का नंबर भी लिखा हुआ है। हम आपको इसको इंसर्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे, दैट्स इट, ये ओपन हो गया। ये जनाब हमारा कैबिन है, यू कैन सी दैट। ये सिटिंग के लिए बना हुआ एक सोफा, ठीक है, ये सोफा है। इसके ऊपर जो है ये भी एक बेड है, आप इसको हम डाउन कर सकते हैं, ठीक है, इसे डाउन करेंगे। ये प्रॉपर बेड है, ऊपर बेडशीट टॉवल सब कुछ पड़ा हुआ है। दिस वन इज फर्स्ट वन, ओके, और मैं थोड़ा सा बाहर जाके दिखाता हूँ। और ये सेकंड वाला ऊपर वाला बेड है, ये नीचे भी बेड है जहाँ पे मैं सोया हुआ था। सुबह मॉर्निंग में क्रूज चलिए 7 बजे, तो मैं आते ही यहाँ पे जनाब सो गया था, मुझे नींद आई हुई थी। 4-5 घंटे मैंने नींद पूरी की है। मैं आपको उसकी डिटेल भी रिव्यू दूंगा उसमें क्या क्या है, ठीक है। अब ये भी एक बेड है, ओके, ये भी एक बेड है। मैं इसकी शीट्स वगैरह मैं यूज़ कर रहा था नीचे, क्योंकि मुझे सर्दी लग रही थी सुबह जब हम स्वीडन से निकला तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, ठीक है। ये सामने बिल्कुल एक विंडो है, क्योंकि मैंने कैबिन लिया है, मतलब इस कॉस्ट में लाइक 60 यूरो, ठीक है, तो इसलिए ये सस्ता है, 60 यूरो वाला सस्ता है। इसमें ये विंडो नहीं है यहाँ पे ना। अगर आप इससे एक्सपेंसिव लेंगे, इट डिपेंड्स आप कब ले रहे हैं। मैंने ऑन दी स्पॉट लिया तो मुझे मिला भी यही है, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। तो यहाँ पे फिर सी व्यू के लिए एक खिड़की होगी जिसमें आप सी व्यू देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं जनाब, वॉलेट, और अगर आपने लाइट जलानी हो जस्ट लाइक दिस, ठीक है, साइड से लाइट जल सकती है। पूरे रूम की लाइट्स बंद करनी हो तो ये सारी बंद हो गई हैं, यहाँ से चलाएंगे तो ये सारी लाइट्स ऑन होगी, सेम लाइक दैट। इसके यहाँ पे भी साइड पे ऐसे है, और अगर आप इसको भी बेड बना सकते हैं ना, इसके पीछे देखिए, अगर इसको मैं उठाऊंगा तो पीछे इसका भी मैट्रेस और सब कुछ सामान इसका पड़ा है, लेकिन है मुझे ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। अभी बैठने के लिए सोफ़ा है, और ये एक टीवी लगा हुआ है यहाँ पे, टीवी का रिमोट की तरह, दिस वन इज़ दैट, ठीक है, आप टीवी यूज़ कर सकते हैं। सिलिया लाइन बेसिकली ये स्वीडन से चला है, यहाँ हम तो इसको सिल्जा लाइन बोलेंगे, लेकिन ये सिलिया लाइन है, स्वीडिश में इसको सिलिया लाइन बोलते हैं, लेकिन ये देखें, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ये पुराना शिप है, इसमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन क्वाइट बेटर पाकिस्तान के मुकाबले में अभी बड़ी टेक्नोलॉजी है। ये कोल्ड और हॉट के लिए, अगर आपने टेम्परेचर सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वॉशरूम के लिए लाइट है, आपको बैग रखने की जगह, कपड़े हैंग करने की, मेरी दोनों जैकेट्स हैंग है यहाँ पे, ठीक है। ये स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर्स आप इसको उतारेंगे यहाँ से, और आप इसको यूज़ कैसे करेंगे मैं आपको यही बता देता हूँ। सॉरी, मैं एक हाथ से मूवी बना रहा हूँ, तो ठीक है। अब जब इसको यहाँ पे रखेंगे, इट्स लाइक दैट, ओके, अब आपको समझ लगी होगी किस काम आ रही है। मतलब जिस बंदे ने ऊपर चढ़ना है वो इसको लगा के यहाँ से ऊपर चढ़ सकता है। ये स्टेयर्स इसलिए हैं, और एक नहीं है, ये दो पड़ी हुई हैं यहाँ पे, डेफिनेटली यहाँ पे 4 बेड हैं। हर कैबिन में यहाँ पे 4 बेड हैं इस डेक पे, ये मैं 6th डेक के ऊपर हूँ। लेकिन अगर आप इसको इनको ज्यादा पे करें या जल्दी टिकट खरीद लें, तो आपको यहाँ पे किंग साइज बेड और क्वीन साइज बेड भी मिल सकता है, इट डिपेंड्स आप कितना पे कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे 4 बंदों के सोने की जगह है, लेकिन मैं जो कि अकेला हूँ, तो मैंने, अगर आप अकेले भी एक कैबिन लेंगे ना, मुझे 60 यूरो में कास्ट किया है, तो ये 60 यूरो में मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ यहाँ पे और कोई बंदा नहीं है सोने के लिए, ठीक है। मैं कोई मेरे साथ भी कैबिन शेयर नहीं कर रहा, अगर आप ले लेंगे तो कोई आपके साथ ये कैबिन शेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चाहें, आप 4 पर्सन के अंदर फिर भी आप 4 बंदे भी इसमें सो सकते हैं जनाब। ये ड्रेसिंग टेबल है, स्कार्फ पड़ा हुआ है, ठीक है। चार्जिंग सॉकेट्स हैं यहाँ पे आपके चार्ज करने के लिए। टेम्परेचर ये देखें, मिरर, वेंटी सब कुछ इसमें लगा हुआ है। बेड ये भी आप, जैसे आपको मैंने बताया कि एक्स्ट्रा बेड है, ठीक है। और टीवी, लाइट्स, हाँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट आपके पास एक वॉशरूम भी है, प्राइवेट वॉशरूम जनाब, आप यहाँ पे नहा सकते हैं, ठंडा गर्म पानी दोनों आता है। और ये जहाज के बाथरूम से भी बड़ा बाथरूम है, आप देख रहे हैं इसकी वेंटी, देखें, ये एक जहाज के बाथरूम से भी बड़ा बाथरूम है यहाँ पे, तो इट्स क्वाइट बिग, ठीक है भाई। सिलिया लाइन इसको बंद करना पड़ेगा मुझे, तो
मैं ये कहूंगा कि 12 घंटे का जब आप क्रूज ले रहे हैं, ये कुछ शिप की इंस्ट्रक्शंस हैं। अभी मैं 6 फ्लोर पे हूँ तो इसके बताया गया, ये 5th फ्लोर के बारे में बताया गया। ओवरऑल ये मुझे बता रहा है शिप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ना यहाँ पे मेंशन है। तो 12 घंटे का ही क्रूज है जो स्वीडन से फिनलैंड जा रहा है। तो मैं 2 दिन पहले फिनलैंड से स्वीडन गया था, वो वाइकिंग एयरलाइन वाइकिंग लाइन था, ये सिल्जिया लाइन है, वो डिफरेंट थी, ये डिफरेंट है। तो इट्स अ क्वाइट बिग, अगर आप यूरोप आए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये क्रूज लें। मतलब अभी देखिए सोने की अच्छी ऐसी जगह है, बैठने की, वॉशरूम जाने की, नहाने की, जहाज में ये फैसिलिटीज नहीं मिलती। बेशक यहाँ से वहां की फिनलैंड से स्वीडन की फ्लाइट 2 घंटे की होगी, इसमें आपके 10 घंटे ज्यादा लगेंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो यू शुड इंजॉय द क्रूज। इसमें और बहुत सी इंटरटेनमेंट है क्रूज में, उसके बारे में मैं वीडियोज बना के साथ साथ अपडेट करूंगा। लेकिन कुछ दोस्तों ने पूछा था कि जहाज के कैबिन के, शिप के कैबिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दें। तो ये बेसिकली क्रूज का एक बेसिक सा कैबिन है जो आप इजीली अवेल कर सकते हैं 60 €, समटाइम आपको 20 € में भी मिल जाएगा। और ये बहुत चीप है, बहुत ज्यादा चीप है, इतने की तो हमारी लाहौर से कराची की बस की टिकट नहीं आएगी मेरे ख्याल से, जितने का ये मिल रहा है आपको। तो इट्स क्वाइट गुड, हर किस्म की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। फिर भी किसी भाई को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इसकी प्राइस के बारे में, कुछ भी, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें। तो जनाब मैं, आप मेरे यूट्यूब पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।